हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज का हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम पहले फॉर्मूलाज का और कुछ एग्जांपल्स सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे। So, what will be the formula of this sentence? So, formula is, first of all, shall or will, it means helping verb will be there. Shall or will, it will be there. After then, subject. Then, be. Then, verb ki first form, ing. Then, object. And then other, and at last there will be a question mark, because interrogative sentences are the part of question sentence. Now we'll take one example, example number one. So how it can be? Kya अगले सप्ताह बारिश हो रही होगी? क्या अगले सप्ताह बारिश हो रही होगी? इमेजिनेशन है, ध्यान रखना हमको यहाँ, कर्ता नहीं होता बारिश का सेंटेंस में, ये भी खास ध्यान रखना है। सिर्फ हमारे पास क्रिया है, कर्ता अगर कुछ नहीं है तो इट को हम कर्ता के रूप में यूज करेंगे। तो विल इट बी हमारा फॉर्मेट के हिसाब से, फॉर्मूला के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो विल, सब्जेक्ट इट कुछ नहीं है इसके लिए, बी क्रिया हमारे पास बारिश होना, तो रेनिंग, विल इट बी रेनिंग अगले सप्ताह, तो नेक्स्ट वीक, बस हमारा सेंटेंस है, ये पूरा भी हो गया इतनी जल्दी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमको क्या दिया है वो देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में हम किस तरह से बना सकते हैं। क्या मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँगा, क्या मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँगा, या फिर मैं समय लगाना चाहूँ तो कल दोपहर, क्या कल दोपहर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँगा, ये भी इसमें हो सकता है। उसके बाद में अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो किस तरह करेंगे? ट्रांसलेट करने से पहले हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा तो वो भी देख लेते हैं। कर्ता, एडिट करना यानी क्रिया, वीडियो यानी कर्म। तो शैल आई वी एडिटिंग ए वीडियो, ओके, शैल आई बी एडिटिंग ए वीडियो, बस ये हमारा हो गया। अगर मैं इसमें समय लगाया होता कल दोपहर, अगले सप्ताह वगैरह कुछ भी, तो मैं यहाँ लिख देता उसको, टाइम को बाद में अन्य लिखना चाहता हूँ, बट यहाँ पे हमने जो था वो लिख दिया है पूरा, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट भी हो गया है। और हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे देखें, तो थर्ड सेंटेंस, क्या जियान बच्चों को मिठाइयाँ बांट रहा होगा? क्या जियान बच्चों को
मिठाइयाँ बांट रहा होगा तो ये हमारे लिए क्या है, कर्ता है। यहाँ पर बांट रहा होगा ये क्रिया, क्या बांट रहा होगा, मिठाइयाँ तो कर्म, और बच्चों को तो ये भी कर्म, डबल ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। तो किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम शैल और विल जियान है तो विल आएगा हमारे पास यहाँ पर, विल जियान। बी बांटने को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या मिठाइयाँ, मिठाई को क्या बोलेंगे, स्वीट्स, स्वीट्स किसको, चिल्ड्रंस को, टू चिल्ड्रन बच्चों को, तो टू चिल्ड्रन। अब चलते हैं फोर्थ सेंटेंस की तरफ, तो फोर्थ सेंटेंस हमारे पास में क्या है, क्या वे, क्या वे कुत्तों से डर कर भाग रहे होंगे, क्या वे कुत्तों से डर कर भाग रहे होंगे। अब वे है तो भी लाएगा कर्ता, भागना क्रिया, दूसरी क्रिया, और ये अन्य या तो कर्म। विल करता दे, बी भाग रहे होंगे तो देखो भागने के लिए यहाँ पर किसी चीज़ से डर कर भागते तो एस्केप आता है, एस्केपिंग हो जाएगा, एस्केपिंग। अगर ये रनिंग लिखो, दौड़ रहे थे भाग रहे थे तो रनिंग यहाँ वर्ड अप्लाई होगा, नहीं किसी चीज़ से डर कर भागे तो उसको एस्केप बोलते हैं। विल दे बी एस्केपिंग, एस्पेकिंग बाय फ्राइटनिंग डॉग्स, क्या वो कुत्तों से डर कर भाग रहे होंगे, तो इस तरह का ये सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास बन सकता है। क्या बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे, कर्ता उड़ा रहे होंगे, क्रिया क्या उड़ा रहे होंगे, पतंग तो कर्म, और ये हमारा अन्य शब्द है। अब हमको इसको बनाने का, किस तरह से बनाना है तो वो भी देख लेते हैं। विल चिल्ड्रन यानी बच्चे, कर्ता हमारा बी उड़ा रहे होंगे तो क्या आएगा, फ्लाइंग, क्या पतंग है तो काइट्स, कहाँ पर, ऑन द टेरेस, तो ऑन द टेरेस। तो इस तरह से हमारा ये पांच के पांच सेंटेंस पूरे हो गए हैं, वी कैन सी हियर। ओके तो फाइव के फाइव सेंटेंस किस तरह से हमको बनाने हैं, किस तरह से हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ इसके अंदर करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे किस तरह से रखते हैं, उसके बाद में कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब हमको स्टेप बाय स्टेप रखना होता है, तो ये हमने यहाँ पर सीखा है। और प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी सीखोगे, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, तो इसमें डाउट्स क्लियर करके हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश लर्न कर सकें।